हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आप लोग के आने वाले एग्जाम जैसे कि NFL, SSC, JEE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग पार्ट वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो NFL के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि चैनल से जुड़े हुए नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर मैक्सिमम पावर जनरेशन द एयर फ्यूल रेशियो फॉर अ पेट्रोल इंजन इज। तो एयर फ्यूल रेशियो पूछा गया है फॉर द SI इंजन मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा 12:1। इसके अलावा कभी कभी 12.5 या फिर 13 दिया रहता है तो वो भी करेक्ट होगा फॉर द मैक्सिमम पावर जनरेशन। इसके अलावा दो तीन कंडीशन और होती हैं, उसके लिए भी आप लोग को एयर फ्यूल रेशियो पता होना चाहिए। जैसे कि आइडलिंग की कंडीशन होती है, उसके लिए एयर फ्यूल रेशियो 10:1 होता है। और क्रशिंग की कंडीशन होती है, उसके लिए एयर फ्यूल रेशियो 16:1 होता है। और कोल्ड स्टार्टिंग की कंडीशन होती है जहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो 3:5 तक वेरी करता है, 3:1 या फिर 4:1 हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन अ डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा डिले पीरियड। तो डिले पीरियड क्या होता है? डिले पीरियड एक तरह का इनएक्टिविटी टाइम पीरियड होता है जहां पर इंजेक्शन तो हो गया फ्यूल का बट इग्निशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये टाइम बहुत ही कम होता है। और डिले पीरियड दो तरीके का होता है, एक फिजिकल डिले हो सकता है या फिर केमिकल डिले हो सकता है। तो फिजिकल डिले जो टाइम पीरियड होता है वहां पर केमिकल रिएक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुई होती हैं और बाकी प्रोसेस होती हैं जैसे कि वेपराइजेशन, एटमाइजेशन और मिक्सिंग, ये सब प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं फिजिकल डिले में। और अगर हम लोग केमिकल डिले की बात करें तो केमिकल डिले पीरियड लार्ज होता है, लार्ज टाइम पीरियड का होता है। इसके अलावा जो केमिकल डिले होता है वहाँ पर रिएक्शन की रेट जो हो जाती है वो लो हो जाती है। तो ये दो डिले के टाइप हो गए, फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड वन देखते हैं। इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स स्वेरले मीन्स। तो यहाँ पर स्वेरल की बात कही गई है। स्वेरल क्या होता है? जो कंबस्टन चैम्बर होता है वहाँ पर जो गैसेज होती हैं, एयर होती है, उनका जो रोटरी मोशन होता है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर वो स्वेरल कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं। एन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड पावर। एक्चुअली में जो इंजन इंडिकेटर होता है उसका बेसिक काम होता है प्रेशर को मेजर करना, और इसकी हेल्प से हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर भी कैलकुलेट करते हैं, साथ में इंडिकेटेड पावर भी कैलकुलेट की जा सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। डिले पीरियड इन अ पेट्रोल इंजन इज। अभी हमने डिले पीरियड की बात कही, टाइप्स ऑफ डिले पीरियड देखा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पेट्रोल इंजन के लिए डिले पीरियड का टाइम पूछा गया है। तो जनरली इसका टाइम जो होता है 0.002 सेकेंड होता है, और जो डिले पीरियड डीजल इंजन के लिए होता है वो भी कुछ इसी के अप्रॉक्सीमेट होता है। वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आप लोग को पता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इन SI इंजन द मिक्सचर हैज़ द लोएस्ट प्रेशर एट द। तो यहाँ पर SI इंजन में प्रेशर मिनिमम पूछा गया है किस पॉइंट पे होता है, जिसका जो आंसर होगा वो होगा एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। तो SI इंजन में जो हम लोग को सबसे मिनिमम प्रेशर मिलता है वो मिलता है एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ डीजल ऑयल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 10,000 किलो कैलोरी पर kg। अगर हम लोग इससे मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो शायद नेचुरल गैस के लिए होती है 12,500 किलो कैलोरी पर kg। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर डीजल ऑयल के लिए पूछा जाए तो उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 10,000 किलो कैलोरी पर kg। और कैलोरीफिक वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसको बताने की आप लोग ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फायरिंग ऑर्डर इन केस ऑफ 4-सिलेंडर IC इंजन इज़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1-3-4-2। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बट कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर हम लोग 3-सिलेंडर की बात करें तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा फायरिंग ऑर्डर वो क्या हो जाएगा 1-3-2। और अगर हम लोग 6-सिलेंडर की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो होता है 1-5-3-6-2-4। इसके अलावा और भी ऑर्डर होते हैं बट ये मोस्ट कॉमन होता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द IC इंजन सिलेंडर इज़ द ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मैक्सिमम कंडीशन पूछी गई है। तो यहाँ पर मैक्सिमम इतना टेम्परेचर पहुँच सकता है इन द IC इंजन सिलेंडर। कभी कभी पूछ सकता है कि रेंज बताइए मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो वहाँ पे हो सकता है 2500 से 3000 तक की रेंज दी हो, तो वो आंसर आपका करेक्ट हो सकता है।
नेक्स्ट वन देखते हैं, द कंप्रेशन रेशियो फॉर द पेट्रोल इंजन इज इन द रेंज ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9:12 रेशियो। तो ये पेट्रोल इंजन के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे 9:12 हो जाएगा, अगर डीजल इंजन के लिए पूछा जाएगा तो इससे हायर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, द साइज ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व इन कंपेयर टू इनलेट वॉल्व इन एन इंजन इज, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोर, एग्जॉस्ट वॉल्व का जो साइज होता है वो इनलेट वॉल्व से ज़्यादा होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, द डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम पेट्रोल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज मिनिमम व्हेन द व्हीकल इज एट, तो कौन सी कंडीशन पूछा गया है कि जो डिस्चार्ज होगा हाइड्रोकार्बन्स का वो मिनिमम होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आइडलिंग कंडीशन, आइडलिंग कंडीशन में जो डिस्चार्ज होगा हाइड्रोकार्बन्स का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट वन, अ मॉडरेटर जनरली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज, तो मॉडरेटर का जो फंक्शन है वो ग्रेफाइट और कॉन्क्रीट करते हैं इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ग्रेफाइट और हैवी वाटर यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस यूज टू रिड्यूस द एग्जॉस्ट नॉइस, अब एग्जॉस्ट में बहुत सारी नॉइस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मफलर का यूज किया जाता है। और अगर एग्जॉस्ट एमिशन की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि COX होता है, NOX होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और SPM पार्टिकल्स होते हैं, ये सब इमिशंस होते हैं एग्जॉस्ट में प्रेजेंट होते हैं फॉर द कंबसन इंजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे NFL ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया जिसमें कि IC इंजन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसने कवर किए हैं, तो हो सकता है कि इन वीडियोज से भी आप लोग के काफ़ी क्वेश्चंस फंस जाएं। नेक्स्ट वन देखते हैं, द स्पार्क प्लग गैप इज नॉर्मली मेंटेन्ड एट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.45 to 0.6 mm, कभी कभी एग्जाम में 0.3 to 0.7 भी दे देता है तो वो भी सही होगा, आप लोग को रेंज पता होना चाहिए कि गैप की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस थे मैंने जो डिस्कस किए हैं, आप लोग के आने वाले एग्जाम NFL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और लास्ट टाइम में आप लोग के रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा जो 3 मॉक टेस्ट जो हमारी टीम ने तैयार किए हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो आप लोग इस प्रोसेस को देख लीजिए और PDF जल्दी जल्दी ले लीजिए, और इस PDF में आप लोग को लगभग 450 क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस मिल जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग को PDFs प्रोवाइड किए गए हैं, 20 PDFs हैं टोटल, तो अगर आप लोग NFL एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये PDFs आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज जो मॉक टेस्ट सेट किए गए हैं वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए गए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, तो अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे आपको। इसके अलावा आप लोग अगर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक में हमारे पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आप लोग को हमारे चैनल पर जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, उसके लिंक्स आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप लोग के लिए वीडियोस बेनिफिशियल हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।